नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम जो कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के सॉल्व्स इंडिया। अगर हम इस कंपनी के बारे में अगर थोड़ा देखें ओवरऑल, तो ये 2014 में बनने वाली कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, कंसल्टिंग, आईटी सॉल्यूशन ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है। और ये प्रोवाइड करता है सेक्टर्स में जैसे कि रियल इस्टेट, ई कॉमर्स, फाइनेंस, टेलीकॉम, हेल्थ केयर। ओके, तो इसके जो सर्विसिंग क्लाइंट्स है वो पूरे सारे के सारे कंट्रियों में है। और ये 360 डिग्री सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। एक्सपर्टीज है इनकी बिग डाटा में, अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो एक माइक्रो कैप कंपनी है 540 करोड़ की, 450 रुपये का इसका करंट प्राइस है, बुक वैल्यू 15 की है, स्टॉक का पी 24 का, जिसके आप देख सकते हैं थोड़ा महंगा है, लेकिन इसके आर ओ सी देखिए 140 की, आर ओ ई 106 का, फेस वैल्यू 10 का। एफ आई एस ने दिसंबर महीने में इस कंपनी में 0.16% की अपनी स्टेक बढ़ाई है, या फिर न्यूली एंटर हुए हैं FIS इसमें। इसके सेल्स देखें तो 93% से बढ़ रही है पिछले 5 साल में रेगुलरली। और अगर हम इसके प्रॉफिट के देखें पिछले 5 साल से 277% से बढ़ रही है। मार्जिन देखें 40% का है लास्ट क्वार्टर का, लास्ट ईयर का 42 था और इस क्वार्टर में 43 है, मतलब कांस्टेंट है। अर्निंग पर शेयर 18 का है। अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पर सितंबर 2022 में हाई वॉल्यूम में इसमें बाइंग हुई है, वॉल्यूम में बाइंग हुई है, जिसकी वजह से शेयर 400 से 480 तक गया। इसके बाद में फिर से इस लेवल पे आने 400 के लेवल पे आने के वक़्त नवंबर 2022 में इसमें ख़रीदारी हुई। पहले सितंबर में हुई 400 के लेवल पे, नवंबर में हुई 400 के लेवल पे, फिर हुई जनवरी में 400 के लेवल्स पे, ठीक है। अभी चल रहा है फरवरी मार्च, इसी लेवल पे अभी भी स्टॉक है, मतलब इसमें अभी बाइंग ख़त्म हुई नहीं है। ओके, अगर प्रोस की बात करें, डेट फ्री कंपनी है, डिविडेंड यील्ड 4.5 है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, 277 का CAGR है 5 साल का, रिटर्न ऑफ इक्विटी 111 का। और स्टॉक के अगर देखें तो ट्रेडिंग कर रहा है 29.7 पे इसकी बुक वैल्यू से, मतलब थोड़ा महंगा है, लेकिन इतनी अच्छी कंपनी महंगी रहती है। अभी माइक्रो कैप है तो पी महंगा रहेगा ही, लेकिन अगर आप ये जैसे जैसे इसका सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी, ये जो माइक्रो कैप है इसका मार्केट कैप बढ़ेगी, ये जो कंपनी है हमेशा ऊपर रहेगी, आप इसमें पोजीशन बना के चल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम सेल्स की बात करें, क्वार्टरली सेल्स की, तो 4 से बढ़ के 20 करोड़ का इसका सेल्स हो गया जून 2020 से दिसंबर 2022 तक। इसका जो सेल्स है 4 करोड़ से बढ़ के 20 करोड़, मतलब 400 गुना इसका सेल्स हो गया है। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 30 का था जून 2022 में और 40 का दिसंबर 2022 में, मतलब कांस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो 0.88 लाख का था वो अभी 6 करोड़ का हो गया है, ठीक है। जो 1 का अर्निंग पर शेयर था वो 5.17 का हो गया, ठीक है। तो फंडामेंटल आप देख सकते हो। अभी हम ईयरली वाइज देखें तो 2015 में जिसका इसका सेल्स 0 था, वहाँ से 2, 3, 5, 8, 24, 45 और 70 के पास में TTM बेसिस पे। मार्जिन देखें ईयरली बेसिस पे जो 16 में 12% का था, 17 में कम होकर 4 में 4%, 18 में 4%, 19 में 6, 20, 21, 22, 13, 45, 42 और इस साल TTM बेसिस पे 43% का था। नेट प्रॉफिट देखें
तो 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अर्निंग पर शेयर देखें तो 18 का अर्निंग प्लस 18% का अर्निंग अर्निंग पर शेयर है इसका। ओके, अगर हम इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो 10 का है। अगर हम FIS की पोजीशन देखें तो इस दिसंबर 2022 में ये वो कंपनी है जहां पर हम FIS के साथ FIS ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो 500 करोड़ की होती है और आगे जाके ऐसी कंपनी मल्टीबैगर साबित होती है। 500 करोड़ की कंपनी इतने अच्छे फंडामेंटल्स पे और इतने अच्छे वैल्यूएशन पे अभी बैठी है। अगर हम दूसरे पीएस की बात करें तो उन सबसे जो पीई है इस कंपनी का वो रिजनेबल प्राइस पे है। आप देख सकते हो हर एक का पीई, टाटा एलेक्सी का 54 पे, एलएनटी का 34, एम्फेसिस 23 का, परसिस्टेंट 40 का, ओरेकल 15 का। ओरेकल का कम है, इसकी वजह अगर आप देखें तो आरओसी और आरओई ओरेकल का कम है, लेकिन आरओसी और आरओई केसॉल्स का सबसे ज़्यादा है। फिर भी इसका जो पीई है बाकी कंपनी के कंपैरिजन में कम है। आप देखना इस शेयर पे, आप नज़र रखना, ये शेयर 100% ऊपर जाएगा। अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखें ट्रेडिंग व्यू पे तो आप देख सकते हो ये शेयर ने अभी इस शेयर अपने जो मूविंग एवरेज है उसके पास में सपोर्ट लेके ऊपर चल रहा है। जब जब ये शेयर इस मूविंग एवरेज के पास में आएगा तब तब इसमें स्टैगर्ड वे में बाइंग करने की है, तभी आप एक मल्टीबैगर, ये एक मल्टीबैगर कंपनी साबित होगी। याद रखना मेरी बात, अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।